जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं दीपक हनुमते, भीम आर्मी का मुंबई का अध्यक्ष। आप देख रहे हो भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और अध्यक्ष भाई विनय रतन जी हमें बार बार लाइव आ रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। उसी के तहत भीम आर्मी का मुंबई का अध्यक्ष इस नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि इस मूवमेंट को एक सही तरीके से आपके पास, आपके सामने लाना। चंद्रशेखर आज़ाद जी आपने देखा रहेगा, जहाँ भी जाते हैं वो भारत देश का प्रीएम्बल पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। हम लोग जो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, हम लोग ना ही लेफ्ट के लोग हैं ना ही राइट वाले लोग हैं, हम सत्यवादी लोग हैं। हमारा फर्ज यह है कि भारत देश का संविधान का रक्षण करना और संविधान के अनुसार इस देश को चलाने के लिए जितना बन पड़े करना। बाबा साहब कहते थे कि लोकतंत्र अगर सफल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां होनी ज़रूरी है, ताकि जो सत्ता में लोग हैं उन लोगों पे अंकुश रहे, तभी वो लोकतंत्र सक्सेस होगा। हम लोग सिर्फ सत्य के बातें कहेंगे, इसके तहत मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। हम जातिवादी नहीं हैं, हम किसी एक समाज को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। मैं इसके बारे में कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे आइडल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 10वीं पास हुए थे तो उनको किर्लोस्कर गुरुजी, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार करने के लिए एक कार्यक्रम लिया और उस कार्यक्रम में उन्होंने खुद ने लिखी हुई जो किताब भगवान बुद्ध का चरित्र दिया। अगर वो भगवान बुद्ध का चरित्र शुरुआत में ही ना देते तो हो सकता है भविष्य में बाबा साहब का जो झुकाव बुद्ध धर्म की ओर जो हो गया वो शायद न होता और बाबा साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया और पूरी अपनी कौम को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी।
हम आदर करते हैं भगवान बुद्ध का, हम आदर करते हैं पेरियार जी का, हम आदर करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज का। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको कोई इतिहास बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन भीम आर्मी और अब जो हमने जो राजनीतिक पार्टी का लॉन्च किया हुआ है, उसके विचारों को, उसकी विचारधारा को, उसका जो एम है वो तो आपके सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको मूवमेंट नहीं समझेगी तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ना बिकने वाला समाज बनाना है तो हमें मूवमेंट मालूम होनी जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इस देश की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इस प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्न मतलब यह है कि हमारे देश पे किसी भी देश का राज नहीं रहेगा। हमारा जो देश है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान पे ही चलेगा। इस देश का जो संविधान है ये संविधान से ऊपर बड़ी कोई भी चीज नहीं होगी, ना लोकसभा होगी, ना राज्यसभा होगी, ना विधानसभा होगी, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई न्याय व्यवस्था होगी। जो कुछ भी चलेगा वो संविधान के दायरे में रह के ही चलेगा। इसीलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश रहेगा। जैसे कि स्कॉटलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, उस देश पे इंग्लैंड के रानी का प्रभुत्व आज भी चलता है, लेकिन हमारे देश पे किसी भी और देश का प्रभुत्व नहीं है। जो प्रभुत्व है तो सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान का है। उसके आगे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अब समाजवादी क्या है? एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी मतलब आर्थिक सामाजिक दर्शन। इस देश के समाज को, इस देश के लोगों को जो आर्थिक सत्ता है, संपत्ति का जो वितरण है, वो किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है। उसका स्वामित्व जो है वो सबको मिलना चाहिए। ये है मतलब सामाजिक और आर्थिक। जो आर्थिक सत्ता है वो भी सभी इस देश के नागरिकों को समानता से प्राप्त होनी चाहिए। मतलब ये है कि ये देश जो संविधान चलाने वाले लोग हैं या जो सत्ता में लोग हैं, उनका क्या फर्ज बनता है? देखिए,
जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद हमारा देश समता में नहीं था, इसीलिए ये सब बातें संविधान के अंदर रखनी पड़ी। समता में लाने के लिए, सामाजिक डेवलपमेंट होने के लिए जो लोग दलित समाज के थे, जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको साथ में लाने के लिए आरक्षण का प्रायोजन बाबा साहब को करना पड़ा, आर्टिकल 340 और आर्टिकल 341। हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। ये राजनयिक लोग या तो उनको ठीक से समझाते नहीं, जो मीडिया है उनकी जो जिम्मेदारी है वो ठीक से वो निभाते नहीं। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी इस बारे में कुछ भी नहीं कहते। इस देश के 85% लोगों को वंचित रखा गया था, धर्म के आधार पे इस देश में वंचित रखा गया था, और इसलिए ये जरूरत पड़ी। समझो, अगर दो घोड़ों की आप रेस करना चाहते हो और एक घोड़ा आप बहुत पीछे रखोगे और एक घोड़ा आगे रखोगे, और उस दो घोड़ों की अगर रेस लगाओगे तो वो रेस न्याय संगत नहीं होगी। इसीलिए जो घोड़ा पीछे है उसे अगले वाले घोड़े के बराबरी में लाना पड़ेगा, और वो करने के लिए ही इस देश में जो SC OBC ST NT VJNT जो भी लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। आरक्षण से कुछ हद तक फायदा हो सकता है, कुछ हद तक फायदा हुआ, लेकिन इस देश की जो संपत्ति थी उसका तो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। इस देश के अंदर जो जमीन थी उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। हुआ यूं कि जो पहले से लोग पैसे वाले थे, जिनके पास जमीन थी, मतलब जिनके पास आर्थिक सत्ता थी, जिनके पास शिक्षा की सत्ता थी, जिनके पास सामाजिक सत्ता थी, धार्मिक सत्ता थी, वो आगे ही रहे। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिला, नौकरियों के आरक्षण में के वजह से कुछ बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े, लेकिन फिर भी सोच लो इस देश की संपत्ति पहले से ही कुछ 10 या 15% लोगों के हाथ में है। ये देश की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति 15% लोगों, मतलब 50% संपत्ति तो 15% लोगों के हाथ में है, बची हुई 50% संपत्ति
बचे हुए 85% लोगों के हाथ में है। तो ये न्याय नहीं हुआ, तो ये न्याय नहीं हुआ। इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सबको न्याय मिले, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये सब बातों का प्रावधान किया। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये जो लोग सत्ता में है, क्या वो लोग संविधान का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम लोग विपक्ष में नहीं रहेंगे, हमारी अगर राजनयिक पार्टी नहीं होगी, तो उन पे अंकुश कौन लगाएगा? इसलिए आजाद समाज पार्टी की जरूरत थी। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है विचार अभिव्यक्ति। इस देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, विचार स्वतंत्र होना चाहिए, अपने विचार रखने का स्वतंत्र मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति स्वतंत्र मतलब बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार। लेकिन दोस्तों, वो आंदोलन अपने हाथ में कोई भी हथियार लेके करने का अधिकार हमें नहीं है। हमारा संविधान उसको अनुमति नहीं देता। अगर हम लोग मूवमेंट में है, ये सब छोटी छोटी बातें हमें जाननी भी चाहिए। और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आइडोल है। अगर हम संविधान के दिए हुए कानून को तोड़ेंगे तो रक्षक ही अगर कानून तोड़ने लगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। हमें लड़ना है, लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तो भीम आर्मी है, लड़ने के लिए तो आजाद समाज पार्टी का अभी ओपनिंग हुआ है, और लड़ने के लिए हम लोग सब साथ में जुड़े हैं। लेकिन बाबा साहब की पूरी जिंदगी, पूरा चरित्र सामने रख के लड़ना होगा। बाबा साहब ने हर आंदोलन, हर क्रांति शांति से की है। मतलब इस देश का संविधान हमें अपने विचार रखने का, अपनी बातें रखने का, लिखने का, बोलने का अधिकार देता है। इसी के तहत मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या सही में इस देश में अभिव्यक्ति स्वतंत्र मिल रहा है? जो लोग सत्ता में हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हम बात करते हैं तो उनको रासुका लगाया जाता है, उनको देशद्रोही करार दिया जाता है। अगर ऐसी बातें हैं तो हमें ठोक के खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम संविधान को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हो। उनको जवाब पूछना पड़ेगा।
अगर आप जवाब नहीं पूछोगे, अगर आप नहीं लड़ोगे, तो ये लोग अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए हमें विपक्ष में रहना पड़ेगा और हम सत्ता में भी आएंगे तो भी हम कसम खाएंगे इस संविधान की, हम कसम नहीं खाएंगे किसी धर्म की, हम हाथ नहीं रखेंगे किसी भी धर्म की किताब पे, हम हाथ रखेंगे इस देश के संविधान पे, क्योंकि हमारे जो चंद्रशेखर भाई है हर जगह जाते हैं और पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कोई गलती नहीं होगी, संविधान की प्रस्तावना पढ़े और उनको उठा के जेल में डाल दिए। तो ये लोकतंत्र नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्र हुआ, विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्वास, विश्वास करना है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके जरिए हमारा ये फर्ज बनता है किसी भी धर्म का हम अपमानित ना करें। यह हमें संविधान ने कहा है। हर धर्म का आदर करना, किसी के धर्म के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से हमें बर्ताव करना पड़ेगा, इस तरह से मूवमेंट चलानी पड़ेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए सबकी, सबको प्रतिष्ठा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए। किस तरह का अवसर? शिक्षा का अवसर है, आगे बढ़ने का अधिकार है, अपना डेवलपमेंट करने का अवसर है। इस देश में कहीं भी जाके रह के कमाने का, खाने का जो अधिकार है वो अवसर है। मतलब कोई किसी को, किसी के अधिकार को छीनेगा नहीं। हर इंसान, हर नागरिक के लिए ये जरूरी है कि उसे सही तरीके का हर चीज में अवसर मिले। अब हमें सोचना यह है कि क्या ये अवसर हमें, ये सत्ता में जो लोग हैं दे रहे हैं, वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन में लोग बैठे हुए हैं, जो नियोजन कर रहे हैं, क्या उनको, उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि सबको इस देश में अधिकार मिले, समता प्रस्थापित हो? ये सोचने वाली बात है। अगर कोई नियोजन कर रहा है
और वो नियोजन गरीब गरीब होते जाए, पूंजीपति लोग पैसे वाले होते जाए, तो वो ठीक तरीके से संविधान नहीं चला रहे हैं। उन पे हमें अंकुश लाना पड़ेगा। हमें विपक्ष में भी रहना पड़ेगा, हमें उनकी गलतियां बतानी पड़ेगी। तुम्हारा फर्ज ये है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। आप किसी एक समूह को आगे लाने की कोशिश कर रहे हो। आप जो समूह पहले से ही दबा हुआ है, कुचला हुआ है, वंचित है, उस समूह को आगे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं आगे बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह से अप्लाई हो रही है। अब तो सिर्फ हम शॉर्ट में संविधान का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, आगे चल के ये सब बातें हमारी डिस्कस होते रहेगी, बातें चलती रहेगी। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब हर व्यक्ति की गरिमा, हर नागरिक की गरिमा, गरिमा का हमें आदर करना चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे, ये नागरिक का तो कर्तव्य है ही है। उसी के साथ में जो शासनकर्ता लोग हैं, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, न्याय व्यवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे। इस देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या यह स्वतंत्र है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस देश की, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रहे, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज, मतलब संविधान सभा के अंदर 26 नवंबर 1949 साल में बाबा साहब ने ये संविधान इस देश को दिया। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिन कहते हैं, और संविधान दिन के तहत आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें जश्न मनाना चाहिए इस दिन के लिए, हर 26 नवंबर को अंगीकृत करना, मतलब क्या, स्वीकार लिया, इस देश ने स्वीकार लिया। प्रजासत्ताक नहीं, अंगीकृत। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ता दिन है, ध्यान में रखिए। बाबा साहब ने ये संविधान पूरा किया, कितना दिन लगे उनको, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने ये संविधान
संविधान सभा के अंदर इस देश को सुपुर्द की। इसीलिए इस देश ने अंगीकृत किया संविधान को। आगे अधिनियमन और आत्मसमर्पित करते हैं, ये संविधान नियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब समर्पण करते हैं संविधान का। भाई और बहनों, ये बातें चलती रहेगी, मैं आपके सामने आते रहूँगा। ये हमारी पहली मुलाकात है, पहली बार मैं, ये श्रृंखला चलती रहेगी। जो मेरा फर्ज बनता था कि पहले दिन हमारी विचारधारा क्या है, हम किस विचारधारा पे काम करेंगे, जो कि मैंने कहा, हम ना लेफ्ट वाले हैं ना राइट वाले हैं, हम लोग सत्य वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के लिए काम करेंगे, हम लोग देश के लिए काम करेंगे, हम इस देश के हर नागरिक के लिए काम करेंगे। कोई मेरा नहीं, कोई हमारा नहीं, सब हमारे हैं, सब हमारे भाई हैं। बंधुता बढ़ाना, बंधुत्व बढ़ाना, ये बंधुत्व है क्या? अगर हम सोए रहेंगे तो बंधुत्व खत्म हो जाएगा। ये हर चीज पे, हर टॉपिक पे हमारा डिस्कशन आगे चलते रहेगा। तब तक के लिए शब्बा खैर। आप अपने आप को संभालो, कोरोना के दिन है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सेफ रहते हुए लोगों के लिए काम कीजिए। जय भीम, जय भारत।